नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप विधायक सौरभ भारद्वाज पार्टी विधायक अमानतुल्ला के आवास पर रेड के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी साल 2016 से अमानतुल्ला खान से जुड़े मामले की जाँच कर रही है, अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर राजनीति कर रही है। केंद्र के इशारे पर ही ईडी ने रेड की है। बीजेपी एक नकारात्मक सोच की पार्टी है। जांच एजेंसी को अभी तक जांच में कुछ भी नहीं मिला है। सौरभ भारद्वाज ने पहले आप नेता मनीष सिसोदिया ने अपने प्रतिक्रिया में कहा था कि ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो, तोड़ दो, जो टूटे नहीं दबे नहीं उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दो। दरअसल सोमवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान के आवास पर रेड करने पहुंच गई, जबकि आप विधायक ने ईडी से पूछताछ में शामिल होने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था। अमानतुल्ला खान ने ईडी की रेड की एक वीडियो एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। वीडियो में वह ईडी के अफसरों से यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमने आपसे 4 सप्ताह का समय मांगा था, इसके बावजूद आप गिरफ्तार करने आ गए। इस पर ईडी के अधिकारियों ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं गिरफ्तार करने आया हूं? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी की रेड के बाद अपने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ईडी की निर्दयता देखिए, अमानतुल्ला खान पहले ईडी की जांच में शामिल हुए, उनसे आगे के लिए समय मांगा, उसकी सास को कैंसर है, उनका ऑपरेशन हुआ है, इसके बावजूद उनके घर सुबह सुबह ईडी वाले धाबा बोलने पहुंच गए, जबकि अमानतुल्ला खान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अमानतुल्ला खान पर ईडी किस तरह से शिकंजा कसती हुई नजर आती है, क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की और विधायकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ईडी सीबीआई उन पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर निशाना बनाती हुई नजर आ रही है, उसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता है? अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ दिल्ली की राजनीति में बदलाव होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।